साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी फार्मेसी में। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे पैन आईटी कैप्सूल। साथियों पैन पेंटोप्राजोल बहुत ही फेमस ब्रांड है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल का, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मेडिसन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, पैन आईटी कैप्सूल है क्या, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड ये वर्क कैसे करता है बॉडी पे, साथ ही साथ इसकी एमआरपी के बारे में जानेंगे। साथियों पैन आईटी कैप्सूल एसआर सस्टेन रिलीज कैप्सूल है, मेडिसन है, इस तरह कहते हैं यूज टू ट्रीट गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसको हम एसिड रिफ्लेक्स भी कहते हैं। साथियों पेट में बहुत ज्यादा तेजाबियत हो जाती है, एसिड बन जाता है और एसिड ऊपर की तरफ भागने लगता है, तो ऐसे केस में ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। पेट के अंदर तीन लेयर होती हैं साथियों, उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो है सिक्रीट होता है, उस अम्ल को न्यूट्रलाइज करने का काम ये करती है। और ये फंक्शनल जिनको डिस्पेप्सिया होती है, जैसे इनडाइजेशन, खाना खाते हैं गैस बनने गैस की वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, हार्ट बर्न होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ड्यूओडेनल अल्सर होता है, और तो ये डाइजेशन का काम भी करती है। इनडाइजेशन होता है तो डाइजेस्ट करती है, डिस्पेप्सिया जिसको कहते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, इट रिलीव द सिम्टम ऑफ एसिडिटी, जिनको एसिडिटी बहुत बनती है, गैस बनती है और गैस के गुब्बारे टाइप के पेट में बनते हैं और वो डकार लेते रहते हैं, उनके जो है छाती में सीने में जलन होती है, पेट में पेन हमेशा रहता है, थोड़ा थोड़ा इरिटेशन रहती है, बेचैनी रहती है, तो ऐसे केस में पैन आईटी कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तुरंत ठीक हो जाते हैं। साथियों इट इज ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिड प्रमोट ईजी पासिस आप गैस, और ये गैस को पेट से बहुत इजी पास करता है, रिड्यूस करता है स्टमक डिस्कम्फर्ट, पेट में जो आपको हैवीपन लगता है, भारीपन लगता है वो नहीं लगेगा, साथ ही साथ भोजन को जो है डाइजेस्ट करने में मददगार करता है और ये माइंड को भी शांत रखता है, क्योंकि जब गैस नहीं होगी, तेजाबियत नहीं होगी, किसी तरह का शरीर में दर्द नहीं होगा तो माइंड भी बहुत अच्छा काम करता है और नींद बहुत अच्छी आती है। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो पैन मतलब पेंटोप्राजोल 40 mg मिला है और आईटी इटोप्राइड 150 mg इसके अंदर मिला है। ध्यान से सुने साथियों, दो दवाइयों कॉम्बिनेशन है, पेंटोप्राजोल 40 mg और इटोप्राइड 150 mg, और ये एल्कम फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है। ब्रांड नेम इसका पैन आईटी कैप्सूल है और इसका जो केमिकल नेम है पेंटोप्राजोल एंड इटोप्राइड 150 mg। अब साथियों यूजेस की बात करेंगे तो जैसा कि अभी बताया हमने, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है, जिसको हम एसिड रिफ्लेक्स करते हैं, साथ ही साथ फंक्शनल डिस्पेप्सिया होती है, इनडाइजेशन उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस करता है, और जब गैस ऊपर की तरफ भागने लगती है उससे हार्ट बर्न होता है, एसिड जो है रिफ्लेक्स करता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, पेट में छाले हो जाते हैं, ड्यूओडेनल अल्सर हो जाता है और जो है पेप्टिक अल्सर हो जाता है, और क्या होता है कि मुंह से दुर्गंध आती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको जो है ठीक करता है, साथ ही साथ एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और पेट से गैस भी एक्सपेल करने का काम करता है, और स्टमक डिस्कम्फर्ट अगर है तो उसको भी ठीक करता है। साथियों साइड इफेक्ट इसको खाने से कुछ छड़ी साइड इफेक्ट, जैसे कभी कभार इसको खाने से पेट जो है क्या होता है कि डायरिया टाइप का हो जाता है, स्टूल टाइट हो जाता है, और जो है क्या होता है सर में दर्द होने लगता है, फ्लेचुलेंस होने लगता है और मुंह के आसपास जो है ड्राई हो जाता है, सूखा, ये क्षणिक साइड इफेक्ट है साथियों। अब साथियों ये वर्क कैसे करती है, जो पेंटोप्राजोल है जैसा कि आप लोगों को पता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, क्लास की दवा है, और ये क्या करता है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टमक और गैस को कम करती है, और उससे क्या होता है कि हेल्प इन द रिलीफ ऑफ एसिड एंड रिलेटेड इनडाइजेशन एंड हार्ट बर्न। और इटोप्राइड क्या है, इटोप्राइड प्रोकाइनेटिक है साथियों, प्रोकाइनेटिक का काम क्या होता है कि ब्रेन में जो है वर्क करता है, कंट्रोल करता है, वोमिटिंग है, नोजिया है, इस तरह की दिक्कत अगर होती है तो उसको होने नहीं देता है, और रिस्पांस भी जो है ये पेंटोप्राजोल का बढ़ाता है। साथियों 10 कैप्सूल की स्ट्रिप आती है 243 रुपये, 243 रुपीज एमआरपी इसकी है, एल्केम फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है साथियों। पैन आईटी कैप्सूल एल्केम फार्मा और साथ ही साथ सभी मेडिकल स्टोर पे आसानी से आपको ये मिल जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।